आज हम बना रहे हैं कोफ्ते यानी कि मीट बॉल। ये देखिए मैंने इसके सब कुछ पहले से डाल दिया है और मैं अब आपको इसका पूरा बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें मैंने प्याज डाली है हाफ, बड़ी साइज़ की थी फुल साइज़ की वो मैंने हाफ डाली है इसमें, और इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें मैंने लेके इसको ग्राइंडर कर लिया था। चौप ज़्यादा बारीक मत करिएगा वरना इसमें प्याज में से पानी छूट जाएगा, वो मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद मैंने इसमें चने और खशखाश वो दोनों ग्राइंडर करके डाले। चने आप 2 चमचे ले लीजिएगा और खशखाश 1 चमचा, और गरम मसाला वो भी आधी चमची लेना, और ज़ीरा आधी चमची, और नमक हसबे ज़ायका आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जो भी नमक डालना है आपने। और मैंने इसमें अंडा लिया है, अंडा मैंने थोड़ा सा हटा दिया है क्योंकि ज़्यादा लग रहा था, अंडा थोड़ा बड़ा सा बड़े साइज़ का था, और छोटे साइज़ का हो तो पूरा डाल देना। तो ये आधा किलो कीमा है उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ें डाली है इसमें। अब मैं इसकी बॉल बना लेती हूँ, मैं आपको बॉल बनाना दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ग्रेवी बनाएंगे। देखें हमारे, ये देखिए मैंने इसकी बॉल्स बना ली हैं सारी, हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। इसमें दही है, आधा पाव से ज़्यादा लीजिएगा, ये नमक है हाफ हाफ टीस्पून, ये हल्दी है हल्दी की हाफ टी स्पून, मिर्चें हैं लाल मिर्च पाउडर, ये भी ये फुल है 2 है, 2 स्पून आएगी, लाल पीसी मिर्च हमने 2 स्पून ली है, और हल्दी हाफ की, और धनिया भी हमने 1 स्पून लिया है। और ये गरम मसाला जाएगा इसमें थोड़ा सा, बड़ी इलायची है 2 अदद, बड़ी इलायची डाल देते हैं, दालचीनी है, ये गरम मसाला, ये लौंग है, और काली मिर्चें हैं। कोई टेस्ट खाता है तो कोई कम खाता है टेस्ट में ना, अपने आप हिसाब से डाल दीजिएगा जितना डाल सकते हैं आप लोग। ये अदरक लहसुन है हमने ग्राइंड कर लिया था, 1 स्पून अदरक का, 1 स्पून 1 स्पून अदरक है, 1 स्पून लहसुन है बस, फिर इसको मिक्स कर, इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है,
टू मीडियम साइज की हमने प्याज ली है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, ऑयल में ग्राइंड करा था ना, ये हमने ऑयल लिया था इसके अंदर जग में और इसको ग्राइंड कर लिया। अभी सारी चीज़ें हम एक ग्रेवी बनाएंगे। पतीले में डालकर पहले प्याज और अदरक लहसुन जो है वो हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद ये मसाला इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें प्याज हमने ग्राइंडर करके वो डाल देते हैं। वन टेबल स्पून जिंजर, वन टेबल स्पून गार्लिक, ये हमने असल में प्याज को ऑयल में ग्राइंडर करी थी क्योंकि प्याज अपना पानी डालती है छोड़ती बहुत ज़्यादा, तो क्या कहते हैं इसे जल्दी प्याज भुन जाती है। थोड़ा पकेगी, पिंक कलर उसका आएगा तो फिर उसके बाद फिर मसाला डालेंगे इसमें। ये मसाले के प्याज भुन, थोड़ी सी पिंक कलर आ गया इसमें, पक गई है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। चार छोटी इलायची ले लेते हैं, वो भी इसमें चली जाएंगे। इसमें दाने दाने से आएंगे, ये भुनने पे आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं है। देखिए ये भुन चुका है, ऑयल पूरा ऊपर आ चुका, लेकिन दाने दाने भी आ गए हैं। अब इसमें हम हमने जो पोहा दे के वो बनाए थे ना बॉल्स, ये अपन इसमें डाल देंगे। चूल्हा हल्का कर देते हैं, चूल्हा हल्का कर देते हैं, जी
चमचा भी नहीं चलाना शुरू होना। हाँ चमचा बिल्कुल भी यहाँ चला है अभी। इसको इसी ऑयल में, मसाले और ऑयल में पकने दें। कितने मिनट के लिए कवर करना है? फिलहाल 10 मिनट के लिए कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे खासे पक चुके हैं। इसको इस तरह थोड़ा बहुत हिलाना है, चमचा कोशिश करें कि चमचा ना चलाएगा तो टूटने में वो होता है। और नीचे इस तरह कर लेंगे इसको, अभी थोड़ा सा और पकेगा और उसके बाद फिर हम लोग इसमें पानी डाल देंगे हल्का सा, आधा ग्लास। अब इसमें हमने पानी मिला दिया, ये थोड़ा पक जाएगा तो फिर हम इसे बंद कर देंगे, डिश आउट कर देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी शोरबा भी हो। इसमें 1 स्पून हम थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे और इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। हमने इसको डिश आउट कर लिया और थोड़ा सा हम लोग हरा धनिया और हरी मिर्ची हम इसमें ऊपर से डाल देंगे खूबसूरती के लिए भी, और इसे भी खाने में भी अच्छी लगती हैं। ये देखें ये हो गए तैयार हमारे कोफ्ते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कैसे बनाया। फीडबैक ज़रूर दें इसका। अल्लाह हाफिज़।